चैनल। मेरा नाम है सचिन, आपका द पहाड़ी नोमैड, और आज इस वक्त मैं हूँ हल्दीराम सेक्टर 18 नोएडा। लक्ष्मण सिंह आज हमारे खास मित्र DOP ऑफ द पहाड़ी नोमैड, जितने भी पहाड़ में हमारे शूट होते हैं सारे लक्ष्मण करता है। और आज एक छोटा सा प्लान आउट हुआ है कि कुछ नया क्या दिखा सकते हैं। तो यार पिछले 2-3 महीनों के अंदर एक डिकैथलॉन का स्टोर खुला है जो कि DLF मॉल नोएडा में खुला हुआ है। तो एक छोटा सा मन हुआ कि आज वहाँ जाके कुछ एक बेसिक एक्सेसरीज का चेकआउट करते हैं कि ट्रैकिंग के लिए क्या नया आइटम आया हुआ है। नया तो नहीं कह सकते, लेकिन एक देख लेते हैं, एक सेटअप कर लेते हैं कि क्या क्या गियर्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो ट्रैकिंग गियर्स हो, चाहे वो बैग्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो अगर अलाउ करते हैं डिकैथलॉन कैमरा, अगर ये क्योंकि मेरा सेटअप छोटा सा, अगर अलाउ कर देते हैं कैमरा ले जाना, तो मैं आपको बहुत गजब चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं यार खाना खाने के बाद कि डिकैथलॉन में कैमरा अलाउड होता है या नहीं, और साथ में क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, आइए देखते हैं। और ये कैचों का ऐसा आर्टिकल है यार जो हर लौंडे के मुंह में दिखेगा। ये वाला आर्टिकल आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा मेरा, ये पहना हुआ था ना। ये बहुत आर्टिकल ना यार, ये वर्थ है लेने के लिए। शुरुआत चश्मों से हो गई है, और ये दो आर्टिकल आप ले सकते हैं ऑनलाइन 799 ओनली। क्या बोलती पब्लिक, कैसे ले लें, क्या सही लग रहा है? ले लेते हैं। क्या बोलते हैं, ले ले। हमारे लिए यूज़ का नहीं है, क्योंकि यार हम लोग यूजुअली दिन में ट्रैवल करते हैं, दिन में ट्रैक करते हैं। तो लेकिन ये एक्सेसरी मतलब एक हिसाब से देखा जाए आपके पास मस्ट होनी चाहिए। बोलते हो ले लें, ले लें यार। क्या बोलते हो, ले लें? क्लब स्पोर्ट ट्रैक आ जाओ, आ जाओ, आप और मैं खेलेंगे, ठीक है? थोड़े से मैं हाँ, थोड़े से मैं। तो गाइस ये है पूल टेबल, किसी को यार पूल खेलने का शौक है, छोटा मोटा सेटअप घर में ले सकते हैं। तेरे भाई की शॉट है, कार है तेरी। डिकैथलॉन का है कि उनके पास मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो छोटी एक्सेसरी हो, चाहे वो टेंटिंग हो, चाहे गियरिंग हो, और जितने भी स्पोर्ट्स इंडिया में खेले जाते हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड खेले जाते हैं, सबके लिए स्पोर्ट्स गियर से लेके सारा कुछ डिकैथलॉन बनाता है। डिकैथलॉन के अंडर लगभग 200 ब्रांड्स आते हैं, इनके पास 200 ब्रांड्स के पेटेंट है। आप लोग ट्रैकिंग करते हैं, सबसे जो मेन एक्सेसरी वो चाहिए होता है आपको जूता। ये सारे प्रूफ उसमें होने चाहिए कि आपको कहीं ना उसमें पानी जाए, ना ठंड जाए, और ना ही हवा घुसे, चाहे कुछ भी हो। और सबसे अच्छी यार उसका सोल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके स्पोर्ट्स जो ट्रैकिंग शू आते हैं ना, वो बहुत मतलब क्लास ग्रेड के आते हैं। तो इनके दो ब्रांड्स हैं, दो या तीन ब्रांड्स हैं। कलेंजी का स्पोर्ट्स शू आता है, एक कैचुआ करके इनका पेटेंट है, उसका ये ट्रैकिंग गियर्स बनाते हैं। सेकेंडली मैं इनकी उसमें सीरीज लाइन में एक नया देख रहा हूँ, सोलगनैक। ये है बर्फ में जाने के लिए।
हम यही पहन के गए थे वहाँ, ये ट्रैकिंग शू काम नहीं आते बिल्कुल, ये काम आएगा यार बर्फ में। ये टोपा शिकारियों के लिए है, के बाद अगला गियर जो आता है यार वो आता है ट्रैकिंग पैंट। ट्रैकिंग पैंट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पहननी पड़ती हैं लाइक चुस्ती एंड ऑल, वो आपको पहननी पड़ेंगी, उनसे आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। बल्कि जब मैं ट्रैक करने जाता हूँ मैं दो दो तीन तीन अंदर थर्माकोट पहन के जाता हूँ, तभी जाके ट्रैक पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि टेम्परेचर जहाँ शून्य से नीचे पहुँच जाता है फिर आपके पास भाई साहब कोई चारा नहीं बचता कि आप कुछ कपड़े ना पहन के ले जाएँ। तो ट्रैकिंग गियर में सेकेंड नंबर पर आता है आपका ट्रैकिंग पैंट, वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इट शुड बी वाटर प्रूफ, इट शुड बी विंड प्रूफ, इट शुड बी एयर प्रूफ, और ये आपको बचाएगा ठंड से। आगे बढ़ते हैं। सिमोंस, इनके ट्रैक पैंट भी काफ़ी अच्छा है। नैनियान पर गोना टोपा है सब, क्या चाहिए यार, बिना टोपा पहने मत जाना भैया, फट जाएगी। एक अच्छा सा बॉटल ज़रूर रखना किसी ब्रांड का, कैंचो का, मिल्टन का, जो कि यार थोड़ा ना थर्मो टेक्नोलॉजी वाला। जब मैं ट्रैक यूजुअली करने गया था तो हमको बर्फ़ का पानी पिघला के पीना पड़ा, और भाई वो वाकई में दिक्कत कर सकता था, मुझे मेरी घर आके वाकई तबीयत ख़राब हो गई। ताकि ये ज़रूर रखना था कि इसमें आप चाय या फिर गर्म पानी आप रख सकें। दिस इज़ अ शर्ट फॉर ट्रैकिंग, जो मैंने अभी शर्ट पहनी है भी देखिए थलॉन का ही है, इसमें साइड में पॉकेट वॉकेट, ये सब ट्रैकिंग वाला शर्ट ही है, कंफर्टेबल रहता है। ट्रैक पैंट की लगभग इतनी वैरायटी मिल जाएंगी, लगभग 20 से 25, खैर पहनना तो एक ही है। आप पाउच रख सकते हैं, पाउच ज़रूर रखिएगा यार वाइल ओवर द ट्रैक, बहुत काम आता है। जैकेट एवरेस्ट वाली है, बॉम्बर जैकेट, एकदम टाइट, एकदम एयर वेंट में, इसमें एम्बलम भी लगा हुआ है, कैचुआ एक्सपेडिशन माउंटेन, वाकई एयरटाइट होगी भाई। सबसे बात कर रहा था यार जूते के बारे में, मैंने आपको एक दूसरी ब्रांड का जूता दिखाया था, बट ओवरऑल जो मोस्ट ट्रस्टेड है ठीक है थलॉन का, वो है कैचुआ ब्रांड का जूता। यार जूता आपको वाटरप्रूफ मांगता है, साथ ही में जो ग्रिप है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि यार आप कीचड़ में पानी में नहीं फिसलेंगे लेकिन जो पत्थर होते हैं कंकड़ उसमें फिसलन ज़्यादा होती है, तो जूता बहुत ध्यान से लेना है। ये क्या बना हुआ है यार? ब्रेकर। यार ट्रैकिंग वैकिंग के बारे में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, थोड़ा साइकिल चलाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप देखे थलॉन में सीखें तो साइकिल्स आपको यहाँ पर लगभग 7,000 रुपये से लेके 1,00,000 तक साइकिल मिलती है। इनका एक साइकिलिंग का अलग सा ब्रांड आता है बिटवीन करके, BTWN। तो अगर आप साइकिलिंग फ्रीक हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप साइकिल जो है डिकैथलॉन से लीजिए। और यार मैंने बहुत पहले बचपन से लेकर अब तक बहुत साइकिल चलाई, और लगभग मेरे पास जो साइकिल अभी यूजुअल पड़ी हुई है वो फायरफॉक्स की वाइपर है, जो कि 21,500 की साइकिल है। लेकिन यार थोड़ी सी साइकिल हैवी है, वो ऐसे माउंटेन या फिर ऐसे मतलब रेगुलर ट्रैवल के लिए नहीं है। चल आएगा चला रहा था तो अभी क्या हुआ, एक मेरा बहुत ख़ास दोस्त है, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो अजय नाम का एक बंदा मेरे साथ, मेरा सीट पार्टनर, लंच पार्टनर, सब कुछ। तो अभी झटके से देखता हूँ यार, सुनने में आया था कि ये बंदा डिकैथलॉन में अभी काम कर रहा है, लेकिन अभी मैं साइकिल चला रहा था तो बंदा दिख गया है, मैं मिलाता हूँ उसको। हेलो हेलो, ये है अजय, हम दोनों स्कूल में साथ पढ़े हैं,
काफी टाइम बाद मिले और ऐसे मिले अच्छा लग रहा है यार। और बता अब टिकट अलॉन में डिस्काउंट मिल जाएगा, बात तो शोर है भाई। सीन हो गया था अभी। और तो जो भी रहा भाई, उसमें लौंडे लपाड़ी गिरते बहुत हैं, मैं भी गिर गया था पीछे साइड। खैर किसमें देखा नहीं। फ्लोर के अलावा रोड में भी चलाते हैं ना, इसका सस्पेंशन वाकई बहुत अच्छा रहने वाला है। इसे खरीदने का प्लान दिमाग में आ गया था, लेकिन फिर मुझे लगा यार दो दिन चला के भाई इसको मैं शोपीस की तरह कमरे में रख दूंगा, तो मुझे लगा नहीं कि वर्थ है लेने लायक। जो बंदे यार वाकई शौकीन है इस चीज़ की, कहते क्या है यार। सर कहते क्या है इसको, स्कूटर। तो यार स्टाफ से पूछने पर पता चला है कि इसे स्कूटर कहते हैं। ये लमरेटा का ही बाप है, लमरेटा देखा होगा आपने, उसका भी उस्ताद आदमी भाई। लमरेटा कंट्रोल हो जाता है भाई, अगर ये हिल गया ना। अभी आपने देखा मैं स्लिप होते होते बचा, वो मोड़ काटते समय कट मारते 6,500 रुपये की बाइक। बहुत ही सॉफ्ट क्वालिटी से बना हुआ बैग, और ऐसे ही मैंने एक बैग परचेज किया हुआ कुछ दिन पहले, जो कि ये है कैचो का एयरपिंस 20। काफ़ी अच्छा बैग है, ऑफिस वगैरह ले आता हूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें आप दो साइड पॉकेट भी मिलती है आपको, इसमें पानी और जूस वगैरह रख सकते हैं साथ में। बैग बहुत अच्छा लग रहा है। बैग्स की आपको वाइड वैरायटी और रेंज मिल जाएंगी, चाहे आप ऑफिशियल ऑफिस ले जाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए, या फिर यूजुअल छोटे मोटे पाउच या स्लिंग बैग्स आप लेना चाहते हैं तो बैग्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको। ट्राई तो हम हर चीज़ करना चाहेंगे, पहाड़ी हैं हम, हर गेम खेलते हैं। कुछ कहना चाहेंगे दो बार की असफलता के बारे में। देखिए असफलता दुनिया का नियम है,
और सफल होना हमारा सफलता मेरे साथ ज़्यादा आ रही है। शानदार, काफ़ी संघर्ष के बाद फिर से मुहैया। ये स्पॉट एरिया ऐसा है, अगर आप दिन भर के अगर यहाँ 12 घंटे काटना चाहें ना, दिन भर के आप 12 घंटे काटना चाहते हैं तो आप आराम से काट सकते हैं। खेलने के लिए, यूज़ करने के लिए, शॉप करने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर पूल लगा हुआ है बगल में, कैरम है उसके बगल में, एक और गेम यहाँ पर बगल में सॉकर, तो आपको बोरियत नहीं होने वाली। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो बेसिक टेंटिंग होती है, जब भी आप वाले वोटर ट्रैक जो टेंट यूज़ करते हैं उसकी कैपेसिटी वगैरह क्या होती है और क्या उसमें बेसिक आपको ध्यान रखना है। दो तरीके के टेंट अभी फ़िलहाल मुझे डिस्प्ले में दिख रहे हैं। ये टेंट की कैपेसिटी है, ये रहा वो टू इन मैन टेंट है, इस टेंट की कैपेसिटी है टू इन मैन, तो इसमें लगभग दो लोग आ सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये मुझे बहुत स्पेशियस दिख रहा है, लेकिन जब भी आप ट्रैक जाते हैं तो आपके पास में स्लीपिंग बैग्स होते हैं कि इसमें सोना पॉसिबल नहीं है, स्लीपिंग बैग्स में आदमी सोता है तो उसको बहुत मुश्किल होती है। इतने बड़े वाइड एरिया में भी दो स्लीपिंग लगाना बहुत मुश्किल होती है। अगला दिखा, थोड़ा टेंट छोटा है, इसका वाइड एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर शेप में है। अगर आप बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इन दोनों टेंट्स का प्राइस है 4499, 4500 में बहुत बेहतरीन टेंट आपको मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यार टेंट एक ऐसा पोर्शन था जो कि मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा। देखो भाई, मजा मस्ती लेने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सब ओके। सो आप लोगों को ये डिकैथलॉन नोएडा का जो विजिट ओवर है पसंद आया होगा। मैंने हर एक चीज़ के बारे में आपको वाइडली बताया है कि ट्रैकिंग में जब आप जाते हैं तो उसमें जब आपको चीज़ें परचेज करनी होती है किस किस बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं अपनी ई मेल आई डी मैंशन कर रहा हूँ, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। और जो ब्लॉग का टर्निंग पॉइंट था, जो ब्लॉग का सबसे एंटरटेनिंग पॉइंट था कि यार मेरा दोस्त, मेरा स्कूल का दोस्त, बचपन का दोस्त मुझे मिल गया इसका नाम अजय है, और इसने हमें सारा स्टोर घुमाया। बहुत अच्छा लगा यार कि कोई बंदा अपना कहीं ना कहीं फिट है, बंदे सब कुछ कर रहे हैं, आखिर कब तक हमारे तरह बेरोजगार घूमते रहेंगे यार। चलो खैर, सब कुछ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। और भाई ने माउंटेनिंग का कोर्स किया हुआ है निम से, तो इज़ अ ट्रैकर बाय प्रोफेशन। और मैं चाहता हूँ कि कुछ दो मैसेज हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे तो पहाड़ी नोमैड की ऑडियंस, उनको उन तक पहुँच जाए। क्योंकि होता क्या है ना, आजकल ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा पीक में चल रहा है मामला, हर लौंडा, हर चौथा बंदा ट्रैकिंग में जाने के लिए मरा जा रहा है। तो उनके लिए क्या क्या ऐसी क्लाइमेट रिकमेंडेशन है कि किस किस मौसम में जाना चाहिए, और कौन कौन से बेसिक ट्रैक, जहाँ आदमी बहुत छोटे ट्रैक्स होते ना, हम लंबे ट्रैक्स नहीं कर सकते, कुछ लोग 5-7 किलोमीटर, कौन से ऐसे शॉर्ट ट्रैक रिकमेंडेड है जो तुम रिकमेंड करते हो यार हमारी ऑडियंस को? सो बिगनर्स, सो एक तो है चंद्रशिला तुंगनाथ, देन सेकंड इज योर ब्रह्मताल, थर्ड इज योर बेकल ताल, एंड फिर मॉडरेट में जाते हैं तो फर्स्ट इज योर चादर ट्रैक, देन रूपकुंड इज योर मॉडरेट। सो मतलब एवरी मंथ वी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, अगर किसी को आना है यू आर ऑल वेलकम हियर, प्लीज़ कम डू विजिट अवर स्टोर। सो भाई ने कुछ रिकमेंडेशन ट्रैक्स की दे दी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ कि कौन कौन से शॉर्ट रूट ट्रैक्स आप कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का एक्सेसरी से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। सो उम्मीद है आपको ये व्लॉग, ये छोटा सा विजिट डिकैथलॉन में पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स टू लक्ष्मण फॉर बीइंग अ डीओपी पार्टनर एवरी ऑफ आवर व्लॉग। सो मैं चाहता हूँ कि यार एक बार कैमरा लक्ष्मण की ओर का हो जाए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, छोटे मोटे ट्रैक्स और अच्छी अच्छी यात्राएं आपको दिखाते रहेंगे। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप कनेक्टेड, एंड मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो जरूर कीजिए, एंड फेसबुक में भी हमारे ऑफिशियल पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए, तो पहाड़ी नोमैड नाम से मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।